brought to you and powered by Stubborn Curious. तो सबसे पहला सवाल कि हमें इस गीजर के टैंक को खाली करना क्यों है? खाली इसलिए करना है क्योंकि अगर इसके अंदर पानी पड़ा रहा तो इसके अंदर का जो कॉइल है उसकी कुछ हालत इस तरह की हो जाएगी। इसके ऊपर इतना कैल्शियम, इतना फ्लोराइड और सफ़ेद सी चीज़ जम जाएगी, जिस वजह से पानी अच्छे से गर्म नहीं होगा, गर्म होने के लिए टाइम लगेगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि गीज़र की लाइफ कम हो जाएगी, कॉइल चेंज करना पड़ सकता है, ख़राब भी हो सकता है। तो ये सब ना हो इसके लिए हमें टैंक को खाली करना बड़ा ज़रूरी है। ये हर साल करना ही चाहिए, जिसकी वजह से होगा ये कि हमारे गीज़र की लाइफ बढ़ जाएगी, पानी जल्दी गर्म होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी बचेगी। और दूसरा सवाल ये है कि इस कॉइल की हालत ऐसी होती है, ये हम पहचानेंगे कैसे, मतलब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर की कॉइल इतनी ख़राब हो चुकी है या फिर इसके ऊपर इतना सारा कैल्शियम जम चुका है और अब टाइम आ चुका है गीज़र को ओपन करना है, इस कॉइल को और इसके अंदर जमे कचरे को साफ़ करना है। तो इसको पहचानने का बड़ा सिंपल तरीका है, जब भी आप गीज़र ऑन करते हो तो गर्म होते वक्त, पानी गर्म होते वक्त आवाज़ बहुत ज़्यादा करने लगता है गीज़र, तब समझ जाइए कि अंदर की कॉइल के ऊपर इतना सारा कचरा जम चुका है। तो गीज़र खोलना पड़ेगा और साफ़ करना पड़ेगा। और ये नौबत ही ना है, उससे अच्छा है कि हम जो ये प्रोसेस आगे करने वाले हैं ये हर साल रिपीट करते जाओ और अपनी गीज़र की लाइफ बढ़ाओ और मेंटेनेंस का भी खर्चा कम करो, इलेक्ट्रिसिटी भी बचाओ और खुश रहो। तो चलिए देख लेते हैं प्रोसेस। अगर आपने अभी तक स्टबर्न क्यूरियस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियोज़ आप तक पहुँच सके और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और उसी से हमें भी मोटिवेशन मिलता है और प्रेरणा मिलती है आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस लाने के लिए। चैनल को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा, अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस आपको चैनल पर मिलेंगे और उन वीडियोस को ना सिर्फ देखिए बल्कि अपने दोस्तों को, अपने फैमिलीज को और अपने चहेतों को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और हम आपके लिए ऐसा ही कॉन्टेंट लाते रहे। तो सबसे पहले जो हमारे टेरेस पे लगा हुआ टैंक है बड़ा, उसका जो कॉक है ऑन ऑफ का, उसको हम ये प्रोसेस करने से पहले बंद कर देंगे और बंद करने के बाद ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले हम इस जो गीजर के जो कवर्स है नीचे के उसको अनकवर कर लेंगे, उसके बाद का प्रोसेस हम देखेंगे। इसको अभी ओपन कर लिया है और फ्रंट कवर खोलने के बाद ही हमें वो स्क्रू जो हमें खोलना है वो नजर आ रहा है। देखिए वो स्क्रू है, आप देख पा रहे हो कि नहीं, मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरह का स्क्रू है और ये ज़्यादातर गीजर्स में एक जैसा ही होता है, आपके गीजर में कुछ अलग तरह का हो सकता है लेकिन यही वो स्क्रू है जिसको हमें खोलना है, ओपन करना है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ ताकि हम इसको खाली कर सकें इस गीजर को और इसके अंदर पानी पूरा निकाल लेंगे। हम इसको ओपन करके यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, ये आउटलेट है उसका। तो ओपन करता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। चाहिए मत चाहिए, अभी आया। तो ठीक है, आप देख सकते हो इसमें से अभी पानी आने लगा है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके, पानी आने लगा है अभी यहाँ से। तो हम लोग जो है, हमने इसका जो इनलेट है इसको बंद करके रखा हुआ है, आप इसका इनलेट बंद कर दो और पानी आएगा नहीं। जैसे कि मैंने अभी इस पिक्चर में देखा, आपका जो ऊपर का टैंक है उसका जो नॉब है वो भी बंद कर दो आप, ठीक है। ये तो हो गया, इसका इनलेट हो गया, ये इसका आउटलेट हो गया। तो आउटलेट में से भी कभी कभी पानी आता है, तो हम लोग इसको खोलने वाले हैं अभी। और उसको खोलने के बाद हम उसमें, जैसे हम टंकी के ऊपर का पहले नॉब बंद कर देंगे और उसमें इसमें हम लोग ये लगा देंगे ताकि यहाँ से भी पानी इसके अंदर ना जाए और ये जो हमारा गीजर है ये पूरी तरह से खाली हो जाए। तो प्रोसेस मैं कर लेता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ प्रोसेस करने के बाद। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, टैंक जो है गीजर का खाली होना शुरू हो चुका है। हमने ये जो ये बोल्ट था लगा हुआ वो हम लोगों ने निकाल लिया है। तो ये खाली हो जाएगा, उसके बाद हम इसको लगाएंगे, वो भी प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा और तब तक मैं इसको खोल लेता हूँ। ओके, इसको भी खोल के हम लोग उसमें ये फिट कर देंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, जैसे मैं इसको खोलने जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे पानी हमारा रुक रुक के मतलब कि पूरा टैंक जो है हमारा गीजर का वो खाली हो रहा है। तो इसको हम पूरा खोलेंगे,
फिर जरा से इसको खोल लेंगे हम। ये देखिए आपके सामने मैं इसको पूरा खोल रहा हूँ। इनलेट हमारा बंद है, ऊपर से टैंक का जो हमारा नॉब है वो भी हमने बंद कर रखा है। इसको हम पूरी तरह से खोल लेंगे। देखिए इसको मैं खोल चुका हूँ अभी, देख पा रहे हो। ऐसे ही मैंने उसको खोला है, आप देख सकते हो उसका फोर्स बढ़ चुका है। ओके, जितना भी पानी है अभी इसमें बचा हुआ, ठीक है, वो स्पीड से नीचे आ रहा है। आप आवाज़ सुन रहे होंगे पानी की, नीचे बाल्टी में गिरती स्पीड से नीचे आ रहा है। और इसको निकाल के हम लोग, इस नॉब को निकाल के हम लोग यहाँ पे ये वाला पोर्शन लगाने वाले हैं। और जब भी हमें गीजर लगाने की जरूरत पड़ेगी तब हम लोग इसको निकाल देंगे, इसको फिर से फिट कर देंगे। तब तक के लिए हम इसको ऐसे ही रखेंगे। और मैं ये लगा लेता हूँ, उसके बाद आपको मिलता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए अभी पानी आना हमारा यहाँ से बंद हो चुका है, ठीक है। टैंक पूरी तरह से खाली हो चुकी है हमारी, एक 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 बूंद आ रहा है। और मैंने इसका इनलेट भी कनेक्शन निकाल दिया है। और देखिए आप यहाँ से आउटलेट में देखिए थोड़ा थोड़ा पानी आते हुए देख सकते हो। वैसे तो मैंने ऊपर से जो मेन टैंक है उसका जो नॉब था वो बंद कर दिया, लेकिन फिर भी इसमें से हल्का सा पानी आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसमें जो है ये प्लग लगाने वाले हैं, ठीक है, और पानी बंद हो जाएगा। तो ये प्लग लगाने के बाद इसका पानी बंद हो जाएगा। और इसको हम ऐसे ही रख देंगे, और जब भी हमें नेक्स्ट समर में जब काम पड़ेगा फिर से लगाने का, तो हम इसको, ये जो नॉब था हमारा इसको मैंने निकाल दिया था, इसको फिर से यहाँ अटैच कर देंगे प्लग निकाल के, और इसका इनलेट पाइप लगा के इसको फिर से ऑन कर देंगे। तो मैं इसको लगा देता हूँ, फिर आपको फाइनल फिटिंग दिखाता हूँ। तो अब हमने इसको लगा दिया है नट को, ठीक है, वापस। और ये जो है हमारा आउटलेट, इसको हमने प्लग लगा दिया, और टैंक जो ऊपर हमारा टैंक में जो मेन था हमारा नॉब, उसको ऑन कर दिया है। दिखा देता हूँ आपको, देखिए तो पानी आना शुरू हो चुका है। अब हम इसको ऐसे ही रखूँगा, मैं इसको अच्छे से सेटअप कर दूंगा इसका सेट इसको, और जब भी हमें लगाने की ज़रूरत पड़ेगी इसका आउटलेट और इनलेट हम जोड़ देंगे। और इसका जो कवर है, कवर जब तक ये पानी सूख ना जाए तब तक हम कवर नहीं लगाएंगे, ओके। अगर आपने अभी तक स्टबर्न क्यूरियस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियोस आप तक पहुंच सके और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और उसी से हमें भी मोटिवेशन मिलता है और प्रेरणा मिलती है आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस लाने के लिए। चैनल को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा, अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस आपको चैनल पर मिलेंगे। और उन वीडियोस को ना सिर्फ देखिए बल्कि अपने दोस्तों को, अपने फैमिलीज को और अपने चहेतों को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और हम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाते रहे। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टबर्न क्यूरियस।